सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे छोटी सी मॉडिफिकेशन अपने एनएस पे। तो करेंगे क्या, हम ये अपनी टेल टाइडी रिमूव करेंगे पूरी, तो साथ में ये ग्रैब रेल्स रिमूव करेंगे। तो उसके बाद देखेंगे क्या कुछ लुक निकल के आती है पूरी बाइक की। तो इन्हें रिमूव करने के लिए हमें चाहिए होंगी एल की ग्रैब रेल्स रिमूव करने के लिए, और टेल टाइट आईडी को रिमूव करने के लिए 12 नंबर की चाबी लगेगी। इधर नीचे नेट है, तो खोलते हैं पूरे, बताते हैं आपको कैसी लुक निकल के आती है पूरी। एक बार ऐसे देख लें आप, तो फिर इसे पूरा रिमूव करते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। तो गाइस, सबसे पहले हम खोलेंगे अपना ये ग्रैब रेल्स। इसके लिए पहले हमें जैसे खोलनी पड़ेगी ये शीट, इसको शीट को खोलेंगे तो फिर हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे 2 बोल्ट इट साइड और 2 बोल्ट इट साइड। इन्हें खोलने के लिए हमें चाहिए एल की। एल की से हम ये पूरे खोल लेंगे ग्रैब रेल्स। तो खोलते हैं इन्हें, बताते हैं आपको भी। तो बस अभी हमने एक नेट ये खोल लिया, इसी तरह ये चारों नेट खोल लेंगे, उसके बाद आते। तो गाइस, अभी हमने एक ग्रैब रेल खोल लिया, तो इसी तरह ये दूसरा भी खोलते हैं। तो गाइस, अभी दोनों ग्रैब रेल्स खोल लिए हैं, तो शीट बंद करके लुक बताता हूँ आपको सिर्फ ग्रैब रेल खोलने के बाद कैसी आ रही है। फिर उसके बाद हम खोलेंगे ये टेल लाइट पूरी। पहले अभी आप लुक चेक करना जब मैं शीट लगाता हूँ। तो गाइस, अभी लुक चेक करें ग्रैब रेल से, सिर्फ खोलें अभी ग्रैब रेल खोलने से भी कितनी अच्छी लुक आ गई है। देखें यहाँ पूरी कितना अच्छा लुक आ रही है पूरी निकल के। तो चलो फिर टेल टाइडी भी खोल लेते हैं। ये इसे खोलने के लिए हमें इधर नीचे से खोलने पड़ेंगे ये दो नेट हैं, ये दोनों नेट खोलेंगे। तो गाइस, ये 12 नंबर की चाबी से हम ये दोनों नेट इधर से खोल लेंगे ये। तो गाइस, अभी ये नेट दोनों खोल रही हैं मैंने इधर से, तो ये टेल टाइडी तो पूरी खुल गई। अभी रह गए कनेक्शन ये इंडिकेटर के, तो इस लाइट के, तो ये भी खोलते हैं। अभी कनेक्शन भी निकालते हैं इधर से, कनेक्शन है इधर इसके अंदर, तो निकालते हैं इन्हें भी, खोल लेते हैं शीट। तो इधर है कनेक्शन वगैरह, इसके अंदर है। इसको क्या करना है, कवर को पहले बाहर निकालते हैं, थोड़ा इसको पीछे करें से, तो ध्यान से निकालना होगा इन्हें बाहर। तो इसे बाहर करके तो कवर को थोड़ा पीछे कर लें, ऐसे करेंगे तो आपको ये सामने ही मिल जाएंगे जो इसके कनेक्शन आए होंगे। तो ये दो ये आई हुई हैं, दो तारें गाइस, एक जे है और एक जे है, तीसरी जे है। इनके कनेक्शन निकालते हैं, ये एक तो ये रहा। वैसे अभी ये तीनों वायर के कनेक्शन हमने खोल लिए हैं, ये रेड के साथ था रेड और ग्रीन के साथ था ग्रीन और ये वाइट के साथ था वाइट। तो अभी इनको इधर से निकालना है धीरे आराम से धीरे से। तो पहले तो ये इसको बस आपने कुछ नहीं करना है, बस नीचे की तरफ पुश करना है इसे, आराम से नीचे की तरफ पुश करना है, तो ये आराम से निकल जाएंगी। तो कैसे अभी ये पूरी टेल टाइडी निकाल ली है, तो ये जो कनेक्शन वगैरह है इन्हें सेट करते हैं। तो इधर से निकाली थी टायर वगैरह, तो पूरी तो पूरे कनेक्शन वगैरह करते हैं, उसके बाद पूरी लुक बताते हैं। तो गाइस, ये ग्रैब रेल्स खोलने के बाद आपने नेट वापस उसी जगह पे लगा देने हैं जैसे पहले थे। तो गाइस, फाइनली पूरे टेल टाइडी और ग्रैब रेल्स दोनों खुल गए हैं। उसके बाद लुक देख सकते हैं आप कैसी निकल के आ रही है पूरी बाइक की ओवरऑल लुक। ये देखें पूरी पूरी लुक कुछ इस तरह की निकल गया। तो गाइस, ये थी छोटी सी मॉडिफिकेशन के ऊपर वीडियो, जो थी बजाज पल्सर NS125 पे। तो हमने छोटी सी मॉडिफिकेशन की घर पर ही, टेल टाइडी रिमूव की और अपने ग्रैब रेल्स रिमूव किए। तो देखा ही लिया होगा आपने कैसी लुक निकल के आ रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब।